तो दोस्तों पीकेएल सीजन 9 यानी कि 2022 में प्रो कबड्डी लीग पहुंच चुकी है अपनी चरण सीमा पे और अभी मच चुका है घमासान युद्ध सभी टीमों के बीच, जो कि 12 में से केवल दो ही टीम अभी तक एलिमिनेट हुई है और 10 की 10 टीमें जूझ रही हैं टॉप 6 में पहुंचने के लिए। तो वही पॉइंट टेबल में क्या फेरबदल हुआ है अभी मैच के बाद, वो आपको मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो प्लीज वीडियो के आखिर तक बने रहे। तो अभी 12वें नंबर पे जो है वो है तेलुगु टाइटन, जो कि एलिमिनेट हो चुकी है और 18 में से केवल 2 मैच जीत के और केवल 15 पॉइंट लेकर एलिमिनेट हो चुकी है। और 11वें स्थान पे गुजरात जायंट्स नजर आएंगी, जो कि अभी अपना आखिरी मैच खेलते हुए हार चुकी है और वो भी एलिमिनेट हो चुकी है, जो कि केवल 17 में से 5 मैच जीती और 36 पॉइंट ही है उनके नाम। और जो कि 10वें नंबर पे आखिरी मैच जीत के अपनी उम्मीदें बनाए रखे हैं वो है हरियाणा स्टीलर्स, जो कि 17 में से 6 मैच जीती है और 41 पॉइंट्स के साथ अभी भी रेस में बने हुए हैं। और वहीं पे पटना पाइट्स अपना आखिरी मैच हार के 18 में से 7 जीत और 3 ड्रॉ के साथ 48 पॉइंट लेकर बनी हुई है 9वें स्थान पे और अभी भी उनकी उम्मीदें बरकरार हैं। और 8वें नंबर पे आपको दिखेगी बंगाल वॉरियर्स, जो कि 17 में से 8 मैच जीती है, 7 हार और 2 टाई के बाद 48 पॉइंट्स लेकर वो भी बनी हुई है 8वें स्थान पे। और 7वें स्थान पे एक कदम आगे है यू मुंबा, जो कि 17 में से 9 मैच जीती है और 49 पॉइंट लेकर बनी हुई है अभी 7वें स्थान पे। और 6वें स्थान पे दबंग दिल्ली केसी है, जो कि अपना आखिरी मैच हार चुकी है और 17 में से 9 ही मैच जीती है और 51 पॉइंट्स के साथ बनी हुई है वो 6वें स्थान पे। और 5वें स्थान पे तमिल थलाईवास है, पवन सहरावत की टीम पवन सहरावत के बिना 18 में से 8 मैच जीत चुकी है और 53 पॉइंट लेकर अभी भी 5वें स्थान पे बनी हुई है। और 4थे स्थान पे आपको यूपी योद्धा दिखेंगी, जो कि अब भी पिछले कुछ मैच लगातार जीतने के बाद ऊपर आए हैं और 17 में से 9 मैच जीते हैं और 55 पॉइंट्स के साथ बने हुए 4थे स्थान पे। और वहीं दूसरे स्थान पे आपको जयपुर पिंक पैंथर्स दिखेगी, जो कि अभी थोड़ी गिरावट में पहुंची है और 17 में से 11 मैच जीतने के बाद 59 पॉइंट्स के साथ बने हुए हैं तीसरे स्थान पे। और वहीं बेंगलुरु बुल्स ने लगाई है छलांग, 18 में से 11 मैच जीतने के बाद 64 पॉइंट लेकर पहुंच चुकी है दूसरे स्थान पे और लगभग क्वालिफाई भी हो चुकी है सेमीफाइनल्स के लिए। और वहीं पे पहले स्थान पे आपको अपना पंजा जमाए फजल अतराचली की पुनेरी पलटन दिखेगी, जो कि 18 में से 12 मैच जीती और केवल 4 मैच हार के 2 ड्रॉ खेल के 69 पॉइंट्स लेके पहुंची है पहले स्थान पे और लगभग क्वालिफाई कर चुकी है। और अगर ये पहले पे रहते हैं तो एक मैच इनको कम खेलना पड़ेगा, यानी कि ये सेमीफाइनल में डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो आपको क्या लगता है टॉप 6 की टीम कौन सी हो सकती है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और पीकेएल सीजन 9 से जुड़ी अगर कोई भी लाइव अपडेट आती है और हर मैच के बाद मैं पॉइंट टेबल की वीडियो लाता रहूंगा, तो वो जानकारी पाने के लिए आप नीचे लाल कलर का बटन दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।